एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप सो कि आप सब संडे बहुत ही अच्छा गया होगा। सो चलिए, आज हम लोग का मंडे है तो हम लोग अपनी पढ़ाई फिर से स्टार्ट करते हैं। हमारा आज आईपी का लेक्चर है और आईपी की फर्स्ट यूनिट में कंप्लीट कर चुकी हूँ, जो कि थी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंसेप्ट की। अब हमारी सेकेंड जो यूनिट है वो है जावा प्रोग्रामिंग। जावा प्रोग्रामिंग एक तरीके की लैंग्वेज होती है जो जिससे कि आप लोगों को प्रोग्रामिंग करने में थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है। ये एक यूज़फुल लैंग्वेज होती है और एक हाई टाइप की लैंग्वेज होती है, जिसमें बहुत कम टाइम में आपको जो है लैंग्वेज करना आ जाती है। तो चलिए आज हम देखते हैं चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ जावा, मतलब कि हम जावा का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नीड ऑफ थ्रेड्स, इसके अंदर के जो थ्रेड्स होते हैं जिससे ये कनेक्ट होता है या जिससे इसको हेल्प मिलती है, सपोर्ट मिलता है, वो लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड डायग्राम। अब लाइफ साइकिल क्या है इसका, वो डायग्राम के थ्रू मैं आप लोगों को बताऊंगी। कीवर्ड्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर डिस्क्रिप्शन और डाटा टाइप, ये सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे। सो लेट्स कम टू द इंट्रोडक्शन। ओके, इंट्रोडक्शन में आपको दिया हुआ है इन प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग अवर कंप्यूटर रन टू और मोर प्रोसेस कॉन्क्रेंटली। अ प्रोसेस इज नथिंग बट अ प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन। इसका मतलब है जो प्रोसेस पे आधारित एक मल्टीटास्किंग होता है हमारे कंप्यूटर के अंदर, इससे एक या एक से अधिक प्रोसेस के साथ साथ इसको प्रोसेस हम इसकी हम प्रोसेस कर सकते हैं। प्रोसेस और कुछ नहीं बल्कि कार्यान्वय के अंतर्गत एक प्रोग्राम है, ठीक है। उदाहरण के लिए प्रोसेस आधारित मल्टीटास्किंग हमें इस योग्य बनाता है कि हम जावा कंपाइलर को चलाते समय संगीत भी साथ में सुन सकते हैं। इट मीन्स कि आप अगर जावा कंपाइलर, इन द सेंस कि जावा के अंदर कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, कंपाइलर एक टाइप की लैंग्वेज होती है, इसके अंदर आप कोई वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है, आप उसके साथ वर्क करते करते म्यूजिक भी सुन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इसी के अंदर देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा वी ब्रेक अवर प्रोग्राम इन मल्टीपल थ्रेड्स वेयर ईच थ्रेड दे डिफाइन सेपरेट पाथ। हम अपने प्रोग्राम को अनेक थ्रेड में तोड़ लेते हैं, जहां प्रत्येक थ्रेड क्रियान्वय के पृथक मार्ग को परिभाषित करता है। अब इसका मतलब ये है कि हम लोग हर एक थ्रेड को तोड़ लेते हैं, ठीक है, जब इसमें वर्क होता है, ठीक है, जब इसके अंदर कोई वर्क होता है तो उसका जो पाथ होता है वो हम उसको क्या कर लेते हैं, अलग से डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर जावा प्रोवाइड बिल्ट इन सपोर्ट फॉर मल्टी थ्रेड्स प्रोग्रामिंग इंटीग्रेटिंग द सपोर्ट फॉर थ्रेड्स इनटू द जावा लैंग्वेज मेक्स देम मच इजियर। का मतलब ये है जब जावा में मल्टी थ्रेड्स प्रोग्रामिंग के लिए बिल्ट इन सपोर्ट उपलब्ध कराता है, जावा लैंग्वेज में थ्रेड्स के लिए सपोर्ट को एकत्रित करते हुए उससे अधिक आसानी से तथा दृढ़तापूर्वक उपयोग में लाने लायक बनाया जाता है। इट मीन्स कि जब इसके अंदर आप कोई मल्टी थ्रेड टाइप के प्रोग्राम इंटीग्रेट करते हो तो थ्रेड्स आपको सपोर्ट करते हैं जावा लैंग्वेज को और ज़्यादा इजी बनाने में, ठीक है। आया इतना समझ में, और जिन्हें नहीं आया है वो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि जावा बहुत ही टिपिकल लैंग्वेज होती है। और अब हम जब इसके बारे में पढ़ रहे हैं तो अगर आप मुझे स्टार्टिंग में इसके बारे में बताएंगे तो मेरे लिए आपको समझाना और ज़्यादा इजी हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, नीड ऑफ थ्रेड्स। नीड ऑफ थ्रेड्स क्या क्या होते हैं। नाउ कंप्यूटर विथ टू और मोर प्रोसेसर्स आर बिकमिंग मोर अफोर्डेबल एंड वी नीडेड अ पैराडिग्म टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस हार्डवेयर प्राइस रिवोल्यूशन इन कंप्यूटर कंप्यूटिंग। अब दो या अधिक प्रोसेसर्स वाले कंप्यूटर्स अधिक अफोर्डेबल होते जा रहे हैं,
दो से अधिक कंप्यूटर जो प्रोसेसर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल होते जा रहे हैं, ठीक है। और कंप्यूटिंग में आई इस क्रांति के चलते हमें हार्डवेयर मूल्यों की कमी का अधिक लाभ लेने की ज़रूरत है। इट मीन्स कि इसके अंदर जो हार्डवेयर्स होते हैं उसको हम लोगों को क्या करना है, उसको और ज़्यादा प्रोसेस में लाना है, क्योंकि पहले क्या होते थे, प्रोसेसर्स बहुत ज़्यादा महंगे होते थे तो उसके अंदर प्रोग्रामिंग करना बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाता था। लेकिन अब कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर्स जो होते हैं वो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में होते हैं, और इस रिवॉल्यूशन को हमें क्या करना पड़ेगा, एडॉप्ट करना पड़ेगा। इट मीन्स कि अपने प्रोग्रामिंग प्रोसेस में उसे कंटिन्यू रखना होगा। द अमाउंट ऑफ डाटा रिक्वायर्ड टू बी स्वैप्ड फ्रॉम सीपीयू एड्रेस स्पेस इन मच लेजर एज कंपेयर टू द प्रोसेस द इम्प्रूव ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ एप्लीकेशन, दिस इज ऑल्सो द रीजन थ्रेट्स। सीपीयू के एड्रेस स्पेस से जिस मात्रा में डाटा को स्वैप करने की आवश्यकता होती है, इट मीन्स कि डाटा को इंटरचेंज करने की जरूरत होती है किसी दूसरे डाटा से, यह प्रोसेस की तुलना में बहुत ही कम होता है। इट मीन्स कि इसके अंदर क्या होती है, प्रोसेस बहुत कम होती है। आप केवल चीज़ों को स्वैप कर देते हैं तो उससे क्या होता है, जब आप कोई चीज़ स्वैप कर रहे होते हैं तो उसको प्रोसेस बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ता है, ठीक है। और ये अपने एप्लीकेशंस के लिए भी अच्छे से परफॉर्म करता है, और उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं या थ्रेड्स क्रिएट होते हैं, थ्रेड्स में बार बार थ्रेड्स बोल रही हूँ, थ्रेड्स का मतलब ये होता है जिससे आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम एक दूसरे से कनेक्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेड्स, ठीक है। अब थ्रेड्स में जब परफॉर्म करते हैं तो उसके एप्लीकेशन को मूव करना बहुत ही इजी हो जाता है, ठीक है, और वो सारे के सारे प्रोसेसर्स को इम्प्रूव भी अच्छे से कर लेता है, ठीक है। तो ये हमारी नीड ऑफ थ्रेड्स हैं, मतलब थ्रेड्स की हमें ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि पहला तो हम कंप्यूटर के अंदर एक अफोर्डेबल प्रोसेसर को जो है अपने लिए वर्क में लाएं, ताकि हमारे लिए वर्क करना थोड़ा इजी हो जाए। नेक्स्ट हमारा कि इसका परफॉर्मेंस, इसके एप्लीकेशन के लिए परफॉर्मेंस और इसका इम्प्रूवमेंट जो प्रोसेसर्स के लिए है वो थोड़ा सा अच्छा हो जाए, ठीक है। तो इसलिए हमें थ्रेड्स की ज़रूरत पड़ती है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड्स। ओके, देखिए अब एक आपको डायग्राम दिया हुआ है, उस डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताती हूँ कि एग्जैक्टली ये कहना क्या चाहते हैं हमें। सबसे पहले हमारी बोन स्टेट क्या है, अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड हमारी क्या है, एक सेकेंड, अंडरस्टैंड हमारे लिए क्या है, एक अंडरस्टैंड हमारे लिए क्या है, एक बोन स्टेट है। बोन स्टेट मतलब कि किसी भी थ्रेड के जीवन में यह प्रथम अवस्था होती है, और यह केवल एक ही बार आती है। यह उस समय आती है जब थ्रेड ऑब्जेक्ट की रचना कर चुकी होती है। इट मीन्स कि इसके अंदर जो थ्रेड्स होते हैं, बोन स्टेट जो होता है ना, बोन स्टेट इन द सेंस कि जब थ्रेड्स इसके अंदर क्या करते हैं, इसके ऑब्जेक्ट के अंदर अपने जो ऑब्जेक्शंस हैं वो पूरी तरीके से परफॉर्म कर चुके होते हैं, उनका क्या हो जाता है, वो उस तरीके का उसको क्रिएट अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो अंडरस्टैंड हमारे लिए क्या है, बोन स्टेट, क्या है, बोन स्टेट। नेक्स्ट है हमारा रेडी स्टेट। रेडी स्टेट में अब क्या होता है, रेडी स्टेट हमारा कौन सा होता है, स्टार्टेड वाला, ठीक है। जब हमें क्या करना होता है, किसी भी थ्रेड अब थ्रेड चलाने के लिए तैयार है। इट मीन्स कि अब हमारी जो प्रोग्रामिंग है, हमारे प्रोसेसर्स हैं, वो चलाने के लिए तैयार हैं। जैसे किसी थ्रेड की रचना की जाती है, रेडी स्टेट में चला जाता है। एक थ्रेड रेडी स्टेट में कई बार आता है। इट मीन्स कि स्टार्टेड जो जब हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद क्या आता है, स्टार्टेड आता है।
स्टार्टेड क्या होता है, एक अलाइन प्रोसेसर होता है जो हमें रेडी स्टेट की जो एग्जीक्यूशन पार्ट है उस तक हमें पहुंचाता है। नाउ लेट्स कम टू द रनिंग। रनिंग क्या होता है अब वो पढ़ते हैं। हमारी जो रनिंग प्रोसेस होती है वो क्या होता है, यह वो अवस्था होती है जब सीपीयू में होता जब थ्रेड सीपीयू में होता है और उसके कार्यों का मतलब उस कार्यों को क्या करता है, एग्जामिन करता है। अब प्रोग्राम स्टार्ट हो गया तो उसको एग्जीक्यूट भी करना है, तो एग्जीक्यूट करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, रन करना पड़ेगा। रन करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, दो थ्रेड्स होने चाहिए, एक तो बॉर्न स्टेट, दूसरा होता है स्टार्टिंग जिसको हम रेडी स्टेट बोलते हैं। तब जाके आपका एग्जीक्यूट क्या होगा, तब आपका प्रोग्राम क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। व्हाट इज इट, अब वेट। अब देखिए इसमें एक वेट स्लीप और ज्वाइन करके है, वो क्या है, देखिए वो क्या है, जब कभी भी एक वेट थ्रेड को कॉल किया जाता है, इट मीन्स कि किसी वेट थ्रेड को आप लोग क्या करते हैं, बुलाते हैं, तब थ्रेड प्रतीक्षा की अवस्था में होता है। इट मीन्स कि अभी वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा होता है। ठीक है, अब कुछ थ्रेड क्या करते हैं, पहले नोटिफाई करते हैं, नोटिफाई इन द सेंस कि आपको पहले कुछ भी चीज़ होने से पहले आपको क्या करते हैं, बताते हैं कि अब ये प्रोसेस होने वाली है, नेक्स्ट ये प्रोसेस होने वाली है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, वेट स्टेट। नेक्स्ट है हमारा स्लिप, मैंने आपको बताया वेट स्लिप और ज्वाइन, ये सब क्या होते हैं, ये आपकी वेट स्टेट में ही होते हैं, जिससे आप लोगों को एग्जीक्यूशन करने में बहुत इजी हो जाता है। नेक्स्ट होता है सस्पेंडेड। अब सस्पेंडेड क्या होता है वो देखते हैं। जब कभी भी सस्पेंड मेथड को कॉल किया जाता है तो थ्रेड इस अवस्था में आ जाता है, थ्रेड को पुनः क्रियान्वयन करने के लिए रेडी करने हेतु रिज्यूम मेथड को हमें कॉल करने की आवश्यकता होती है। इस स्टेट में हमें क्या करना होता है कि आपका जो रिज्यूम होता है या पॉज स्टेट होता है, सस्पेंडेड वो वर्क करता है कि जब आप किसी दूसरे थ्रेड को कॉल करते हैं तब आपका सस्पेंडेड मेथड यूज़ किया जाता है। नाउ अबॉर्ट मतलब कि आप उस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं और उस चीज़ को कैंसिल करना चाहते हैं, उसे बोलते हैं ब्लॉक। इन द सेंस कि आप अब उस चीज़ को नहीं देखना चाहते और ना ही उससे कोई कनेक्शन रखना चाहते हैं तो ब्लॉक हो जाते हैं। ओके, आगे इतना समझ में, और जिन्हें नहीं समझ में आया है, ये चैप्टर अभी स्टार्ट हुआ है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको क्या इसमें टॉपिक समझ में नहीं आया, और अगर पूरा ही चैप्टर समझ में नहीं आया तो भी आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। ओके, थैंक यू सो मच क्लास, अब हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, हैव अ नाइस डे।